बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित इस फिल्म को लोगों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर हर किसी को हैरान कर रही है। लगता है यही वजह है कि अक्षय ने अपनी खुशी ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके जाहिर की है। इतना ही नहीं, इस वीडियो के जरिए अक्षय ने अपने सभी दोस्तों को भी विश किया है। अरे भाई, हाल ही में ऋतिक ने अक्षय को उनकी फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा था, जिसके बाद अब अक्की ने उनका शुक्रिया किया है। अक्षय ने इस वीडियो में क्या कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। डायरेक्ट दिल से बोलूंगा जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे लिए टॉयलेट एक प्रेम कथा एक फिल्म नहीं है, एक जुनून सा बन गया था पिछले एक साल में कि भाई पिक्चर चले ना चले, इस टॉपिक को, इस खुले में सोच जाने की प्रॉब्लम को, ये तो मैं घर घर में डिस्कस करवा के ही छोड़ूंगा। आज आपने इस फिल्म को, आप लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया कि ये बॉक्स ऑफिस में तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन एक और बहुत ज़रूरी बड़ा काम कर रही है। ये जो सदियों से परंपरा चलती आ रही है, ये खुले में सोच जाने की जो बीमारी है, जो हमें लग गई थी, इस बीमारी को आहिस्ते आहिस्ते जड़ से उखाड़ रही है। मुझे आपको ये बताने में दिल से खुशी हो रही है कि 8-9 महीने पहले रिसर्च रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि 54% लोग हमारे देश में खुले में शौच करते हैं, लेकिन अब वो 54% 34 में बदल गया है 8 महीने के अंदर। मेरी पिक्चर तो इस बात को एक छोटे से एक एंटरटेनिंग तरीके से सामने, मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, लेकिन ये सफलता, एक्चुअल सफलता, मैं आप सब के नाम पर करता हूँ, हर उस बंदे के जिसने सोच बदली और शौच को अपनाया। और अभी तो बहुत काम करना है, इस 34% को ज़ीरो पे लाना है। मैं समस्या के बारे में बात करना बंद नहीं करूंगा कि चलो भाई फिल्म रिलीज़ हो गई, अब मैं बात करना बंद कर दूँ। मैं और आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा, आप भी मत छोड़ना, कभी खुले में शौच की प्रॉब्लम देखे तो उसे ज़रूर ज़रूर जिक्र करना, बात करना। मेरी फिल्म से जुड़े हर इंसान को आज मैं सर झुका के थैंक यू बोलना चाहूँगा, हर उस क्रिटिक को भी जिसने मेरी फिल्म देख के 3 नेगेटिव बात बोली लेकिन एक पॉजिटिव बात भी बोली, हर उस सरकार को, वो कोई भी पार्टी की हो, किसी भी स्टेट में हो, जिसने ओपन डेफिकेशन हटाने के लिए पॉजिटिवली सोचा, हर उस इंसान को भी जिसने पिक्चर देख के भले ये कहा कि भैया देखो यार, ये अक्षय ना, ये तो अक्षय कुमार तो गवर्नमेंट का प्रोपागेंडा कर रहा है, लेकिन वही इंसान उन्हीं डायलॉग पे हंसा, सीटी बजाई, ताली बजाई और प्रॉब्लम को समझा। मकसद यहाँ था कि प्रॉब्लम समझाना और उस सोल्यूशन बताना, ताली मिली या गाली, वो मकसद पूरा हो गया। एंड साथ में ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक माय फिल्म फ्रेटर्निटी, मेरे सब एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, दोस्त जिन्होंने मेरा साथ दिया, एंड अ बिग हग स्पेशली टू माय फ्रेंड ऋतिक रोशन। मैं यहाँ नहीं भूलूंगा, या मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि किस लिए, लेकिन जिन्होंने फिल्म देख ली है उन्हें तो पता ही है, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए सरप्राइज। आज इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन जैसे कमाल के दिन पर आप लोगों ने मुझे कमाल की खुशियाँ दी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर कंट्री, एंड जय हिंद। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।